चारा की टहल करण में पद सैटियो मतना। मेरे भाइयों बहनों, आज एक गौ माँ जिसको हमारे पूर्वज पूजते आए हैं, भगवान श्री कृष्ण गवाले कहाए, उन्होंने पता नहीं कितनी हजार गौएं चराई हैं, लेकिन आज वही गौ माता देखो कलयुग में दर दर की ठोकरें खा रही है। मानता हूं आप लोग ऐसी जगह पे रहते हो, ऐसी कोठियों में रहते हो जहां पर गौ माता को बांधा नहीं जा सकता। मानता हूं आपके पास इतना समय नहीं है कि आप लोग गौशाला में जाकर के कुछ चारा डाल सको या कोई दान कर सको, इतना टाइम ही नहीं है। लेकिन आज मैं आपके बीच में झोली कर रहा हूं मेरे माँ के भक्तों, इस झोली में आप पैसा डालिए। वो पैसा मैं नहीं लेके जाऊंगा, मैं तो हाथ भी नहीं लगाऊंगा उस पैसे को। हमारे बजाने वाले उस्ताद है वो भी नहीं लेके जाएंगे, और हमारे साउंड मास्टर वो भी नहीं लेके जाएंगे, ना वो पैसा हम मंदिर में देंगे, वो पैसा कहाँ जाएगा। इस भजन पर 10 रुपए 20 50 100 लाख करोड़ जितना भी पैसा इकट्ठा होगा, वो सारा पैसा हम एक आदमी को संभलवा देंगे, जिसको भी आप बोलोगे, और वो पैसा गौशाला में दान भी नहीं करके आएंगे, उस पैसे से चारा खरीदा जाएगा, और जिन गौओं को चारा नहीं मिलता उनको चारा डाला जाएगा। एक कड़वी बात बोलना चाहता हूं, लोग कहते हैं भगवती माता के जागरण में तारा रानी की कथा ना करो तो जागरण संपूर्ण नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूं भैया ये बात बाद में बोलिए, पता नहीं संपूर्ण होता होगा कि नहीं होता होगा, लेकिन ये काम अगर हरेक कलाकार करने लग जाना, मैं गारंटी देता हूं, मोर मार के देता हूं, 100% नहीं 120% जागरण संपूर्ण होगा। कहते हैं हमारे पूर्वज बताते हैं, पुराने विद्वान लोग बताते हैं, गौ माता के शरीर के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। मात्र 100 रुपए में 51 किलो चारा मिलता है। मैं खुद खरीदता हूँ जींद के अंदर, ताल पे जहां भी जाओगे आप 100 रुपए दो 50 किलो चारा मिल जाएगा आपको। अब आप यहाँ पर जितना दान करोगे सारा गौ माता की सेवा में लगाया जाएगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों ने बड़ा इनाम दिया, मान सम्मान बड़ा ही किया, बहुत अच्छी पेमेंट ये भाई भी मुझे देंगे। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, जिसकी जेब में 500 रुपए है आप 100 दान कीजिए, 100 है 50 दीजिए, 50 नहीं है 20 दीजिए, 20 नहीं तो 10 दीजिए, 10 भी नहीं है तो भैया उधारे लेकर दान करियो, क्योंकि नेकी कर दरिया में डाल। ये जो पैसा आपने मुझे दिया ये मेरे घर जाएगा, लेकिन जो अब आप पैसा दान कर रहे हो वो ये सोच लीजिए भगवान देख रहा है, आपके खाते में लिखा जाएगा कि 9 वर्ष के शुभ अवसर पर माँ बनभोरी वाली के दरबार में बैठकर इस आदमी ने गौ माता के लिए ये दान किया है, आपका पूरा साल ही नहीं पूरा जीवन अच्छा गुजरेगा, गारंटी देता हूं। दिल्ली के अंदर पहली बार मैंने ये भजन गाया, एक भजन पर 52,000 रुपए इकट्ठे हो गए थे, थोड़े नहीं होते बहुत ज्यादा होते, हम जहां भी जाते हैं एक भजन गौ माता के चरणों में जरूर लगाते हैं। मेरी सबसे प्रार्थना, एक तो बहन खड़ी हो जाओ, कोई भी बहन खड़ी हो जाओ और झोली कर लो, कोई शर्म नहीं है। आप एक काम करो भैया, एक बंदे को खड़ा करो, किसी को भी, उसको कपड़ा दे दो, हाँ आप खड़े हो जाओ, कोई कपड़ा ले लो, आप ये ले लो चादर, और सबके बीच में से निकल जाओ उधर, भाई इस खाली इस झोली को खाली मत छोड़ना प्लीज, भैया आपके खाते में जाएगा, भगवान देख रहा है, माता रानी के चरणों में। और गौ माता फरियाद कर रही है, किस तरह से क्या करी, जरा अच्छा भजन माँ गौ के चरण में आई कैसे, पहले से गौ माँ की आंखों के आंसू रो रहे हैं और हिंदुओं को आगाह कर रहे हैं, हिंदुओं जो धर्म तुम मंदिरों में कमाते फैरते फिरते हो, अरे मंदिरों में जाओ मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो मेरी तरफ भी देखो। गौ माता कह रही है, रो रही है, क्या कह रही है जरा सुनिए, मुझे मत दीजिए भैया, मुझे मत दीजिए, उसमें डाल दो, इसमें डाल दो, चलिए उधर से एक बहन खड़ी हो जाओ, कोई भी, कोई शर्म नहीं है, ये गौ माता के लिए आप चंदा इकट्ठा कर रहे हो, कोई शर्म थोड़ी है, एक बहन खड़ी हो जाओ, कोई भी, असली जगराता तो यो है, और भजन सुन, भजन तो करा भी सुन लोगे तुम, आइए क्या, थारा धर्म हिंदू हो बजागा मेरी आँखा के पानी में, थारा धर्म हिंदू हो बजागा मेरी आँखा के पानी में, थारा धर्म हिंदू हो बजागा मेरी आँखा के पानी में। कदे पूजे थे घर घर में, 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 आज पड़ गया रे फर्क कदर में, आज पड़ गया फर्क कदर में, आज पड़ गया फर्क कदर में, आज पड़ गया फर्क कदर में, कई बड़ा बखत अन्याई ने कर कर ठोकर खानी में, ये कई बड़ा बखत अन्याई ने दर दर ठोकर खानी में, ये थारा धर्म ही
एक गुरुजी ये सारा पैसा एक जगह इकट्ठा कर लो और गिन के मुझे बता देना कितना अनाउंसमेंट करनी है। उधर मत, यहाँ इकट्ठा कर लो अलग से गौ माता का, सब दान करें। क्या बात है, जय हो। ओए 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 स्वार्थ में डूबते जा रहे, 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 संस्कार भूल गए सारे, संस्कार भूल गए सारे, संस्कार भूल गए सारे, ओ संस्कार भूल गए सारे, मेरी कर में सेवा देख लियो सू कितनी कल्याणी में, ओ मेरी कर का सेवा देख लियो सू कितनी कल्याणी में, अरे थारा धर मेरी आँखा के पानी में, सुनो कृष्ण जी के प्यारो, सुनो कृष्ण जी के प्यारो, ए सुनो सावरिया के प्यारो, सावरिया के प्यारो, मेरा मान बता क्यों मारो, मेरा मान बता क्यों मारो, श्री कृष्ण जी गिरधारी ने खुद अपनी माँ जानी मैं, श्री कृष्ण जी गिरधारी ने खुद अपनी माँ जानी मैं, अरे थारा धर्म ही दुओ जगा मेरी आँखा के पानी में, गुरु ओम प्रकाश समझावे, गुरु ओम प्रकाश समझावे, गुरु ओम प्रकाश समझावे, गुरु ओम प्रकाश समझावे, परिचार गौ का चावे, परिचार गौ का चावे, परिचार गौ का चावे, परिचार गौ का चावे, कगसरी आनंद न्यारा से तेरी कोयल सी बाणी में, जो कगसरी आनंद न्यारा से तेरी कोयल सी बाणी में, तेरा धर्म ही दुओ की, बोले भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। भाई बहनों ने अपनी नेक कमाई में से 10 20 50 100 लाख करोड़ जो भी दान किया उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। मैया रानी से गुजारिश करता हूँ, हे देवी माता आपका ये सिद्ध शक्ति पीठ है, विदेशों से भी लोग यहाँ आकर के अपना मस्तक टेकते हैं क्योंकि यहाँ पर शक्ति है, इसलिए लोग आते हैं क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है। भैया मेरी बहनों आपने उस जगह पे बैठकर दान किया है, साक्षात माता रानी साक्षात सृष्टि को रचाने वाली आपको देख रही है, गारंटी देता हूं आपके खजाने में कभी कमी नहीं आएगी। चैलेंज है।